ऐसी तो एक बेहद गैर जिम्मेदार आदमी है और वो अर्थ का अनर्थ करता है। इस बिल में कहीं पर भी हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो ऐसी बातें कहना गलत है। तो कांग्रेस बताए ना, उन्होंने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा क्यों करवाया? महात्मा गांधी ने नवाखली में कहा था कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। फिर भी देश का बंटवारा क्यों हुआ? और बहुत सारे हिंदू महात्मा गांधी पर विश्वास करके देश का बंटवारा होने से पहले हिंदुस्तान में नहीं आ सके। उन्होंने माना कि महात्मा गांधी ने कहा है कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। उन्होंने महात्मा गांधी पर विश्वास करा और वो वहां रुक गए। आज वो लोग कहाँ जाए? देखिए, इसका कारण कांग्रेस पार्टी है, जिसने हिंदुस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर करवाया। मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान हो गया। ये बात दूसरी है कि बहुत सारे मुसलमान नहीं गए और आज हमने उनको अपना लिया, लेकिन आसपास के किसी देश में अगर हिंदू प्रताड़ित होगा तो वो कहाँ जाएगा? कौन से देश में जाएगा? जहाँ 1947 में जो हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान में नहीं आ पाए और आज वहां पर प्रताड़ित हो रहे हैं, और वो अगर हमारे पास आते हैं तो क्या वो शरणार्थी बन के रहेंगे? उनको हम नागरिकता नहीं देंगे? तो इसलिए ये बिल पारित किया गया है कि आसपास के मुस्लिम देशों में जो नॉन मुस्लिम हैं, अगर वो कहीं पर प्रताड़ित होते हैं तो उनको हिंदुस्तान ही उनका मूल देश है, हिंदुस्तान में ही उनको नागरिकता प्रदान की जाए।